नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज व्रत के लिए स्पेशली साबूदाना पकौड़े की रेसिपी लाई हूं, तो प्लीज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। 14 से 15 साबूदाना पकौड़ा बनाने के लिए चाहिए 150 ग्राम फूला हुआ साबूदाना, एक उबला आलू बड़ा साइज का, 50 ग्राम भुनी हुई मूंगफली, हरी धनिया स्वाद अनुसार, हरी मिर्च 1 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर, उपवास वाला नमक, फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल। मूंगफली को भूनकर उसे ठंडा करके उनका छिलका निकालकर ही यूज़ करें और उसे मिक्सर में थोड़ा सा पीस लें, ज़्यादा बारीक नहीं। ध्यान रखें, पकौड़ा बनाने के लिए आलू को अच्छे से बिल्कुल बारीक मैश करना है इस तरीके से। साबूदाना को 3 से 4 घंटे पहले ही अच्छे से फूलने के लिए रख दें। साबूदाना को सबसे पहले पानी से 2 से 3 बार अच्छे से धो लें, फिर साबूदाने से थोड़ा ऊपर तक पानी भरकर उसे आधा घंटे के लिए ढककर रख दें। आधा घंटे बाद उसका पानी निकाल लें और उसे दोबारा 2 से 3 घंटे के लिए ढककर रख दें। साबूदाना बहुत अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए, मूंगफली के दाने इस तरीके से पीसें, ज़्यादा बारीक नहीं बल्कि थोड़ा दरदरा ही पीसें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें इस तरीके से। इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर जरूर डालें, अच्छे फ्लेवर के लिए 1 स्पून जीरा और स्वाद अनुसार हरी मिर्च डालें। ये उपवास वाला नमक है या सेंधा नमक भी कहते हैं इसको, ये स्वाद अनुसार डालें आप। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें हरी धनिया डाल दें और इसे मिक्स करें। आप इसमें 1/2 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है पकौड़ों में। यहाँ मैंने व्रत के लिए बनाया है इसलिए ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं किया है। यदि ये पकौड़े आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो इसमें आप चाट मसाला, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। आप इसे बड़ा या छोटा किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हाथ में थोड़ा सा इस तरीके से पानी का यूज़ करें, पानी या घी कुछ का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आप पहले से ही बना कर रख लें ताकि जब कढ़ाई में तेल गर्म होता है तो आगे पीछे नहीं हो पाते सेकने में। तेल गर्म हो गया है, इसे बना कर रख लिया इस तरीके से। ये देखिए, ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए थोड़ा सा मसाला डालकर देखा, इससे ये पता चल रहा कि ऑयल गर्म हो गया है। अब गैस को मीडियम पे कर दें, इसे मीडियम पे सेकें। ज़्यादा तेज पे सेकने पर ये बाहर ही सेक पाएंगे, अंदर से साबूदाना पक नहीं पाएगा, इसलिए सेकते टाइम इसका विशेष ध्यान रखें। इसे अच्छा सेकें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें सेकने में। ध्यान रखें, पकौड़ा बनाने के लिए ज़्यादा आलू का यूज़ ना करें, इतना ही यूज़ करें ताकि अच्छे से आपस में बाइंड हो जाएं। ज़्यादा आलू का यूज़ करने से ये फ्राई करते टाइम ज़्यादा ऑयली बनेंगे। ये अच्छे से पक गए हैं, इन्हें इस तरीके से पलटा दें और अच्छे से सेक लें। ये देखिए, अच्छे रेड सेक गए हैं, इन्हें निकाल लें और किसी भी टिश्यू पेपर या कपड़े के ऊपर थोड़ी देर के लिए रख लें तो एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है इसका। इस तरीके से रख लें। ये देखिए, गर्मा गर्म साबूदाना पकौड़ा बनकर तैयार हैं व्रत में खाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।